अभी बताइए, दादा साहब का जब भी जिक्र होता है तो श्रेयस क्या दिमाग में आता है? क्या है? फिल्म इंडस्ट्री। आज उनके नाम से जब अवार्ड दिया जाता है, जब आप उसके लिए नॉमिनेट होते हो, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इवन गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनीबडी लाइक मी। आई वन इट लाइक 9 years अगो फॉर माई फिल्म इकबाल। आई एम नॉमिनेटेड अगेन फॉर वन ऑफ माई मोस्ट डियर फिल्म्स, बाजी इन मराठी। सो खूप आनंद होतो आहे, खूप बरं वाटतं आहे, आणि जर जिंकलो तर पार्टी नक्की। ऑनेस्टली बताऊँ तो हर अवार्ड में, लेकिन ऐसा अवार्ड बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये अवार्ड दादा साहब फाल्के जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत मायने रखता है। ये मैं इकबाल के वक्त जीत चुका हूँ एक बार, आज फिर एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बाजी, उसके लिए नॉमिनेट हुआ हूँ, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो क्या लगता है, सही है? उम्मीद रहा है कि जो एसोसिएशन है, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, अब वहाँ पे फीमेल्स को भी मौका मिल रहा है, बिकॉज ऑफ चार्ज पुराना। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग यार, जब मर्द हेयर ड्रेसर बन सकते हैं तो लड़कियां मेकअप क्यों नहीं कर सकती? सो अच्छी बात है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट इसके लिए तो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट अगर हो गया है तो अच्छी बात है। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। इसको लगाने दो, चलो दादा तैयार रहो ना। आज दादा साहब अवार्ड्स फंक्शन दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह जो कलाकारों को बुला के अवार्ड्स देकर उनका गौरव बढ़ाना, उनको पहचान देना, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं हरी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, और हरीश और तबसुम बहुत मेहनत किए हैं, जितने कलाकारों को बुला रहे हैं उन सबको मैं मेरे बधाई है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी तरह अवार्ड्स फंक्शन करना चाहिए, और ताकि हौसला बढ़े कलाकारों का, ये मेरा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। नहीं है, इस बड़ी उपलब्धि मतलब हो सकती है कि दोबारा नेशनल अवार्ड मिल जाए, तो उपलब्धि अभी तो शुरुआत है, बहुत बहुत सपने हैं आगे आगे देखे सवाल। लेकिन जब अभिनय सफर शुरू किया था तो आपको लगता था कि आप राष्ट्रीय पुरस्कार? ख्वाहिश जरूर थी कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पर इतनी जल्दी मिलेगा ये नहीं सोचा था, बट आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल एंड गॉड हैज रियली काइंड। लेकिन अवार्ड्स में मैनिपुलेशन होता है, मतलब जो डिजर्व करते हैं शायद उनको भी नहीं मिलता, नहीं करते। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद जो है फीमेल मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेरा मेकअप करती हैं कभी कभी, और मेल भी हैं, दोनों हैं। आई थिंक आई एम रियली हैप्पी, दे शुड नॉट बी, वी शुड नॉट बायस बिटवीन मैन एंड वुमेन, आई थिंक वी ऑल आर सेम, इफ समबडी वांट्स टू वर्क, व्हाई नॉट। बात करें आपकी आने वाली मूवी अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ में तो सबसे काफ़ी अलग है आपके लगन, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो क्या चल रहा है? ऐसा कुछ अलग नहीं है, मतलब बहुत ही सोशल कॉज है, और एक ह्यूमन ड्रामा है, इमोशनल है, ऐसा कुछ हटके अलग नहीं है, पर यह है कि एक कहानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और मैं उसका हिस्सा हूँ। आई थिंक आई एम वेरी लकी। मनोज वाजपेयी साहब ने काम किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखा? बहुत अच्छा रहा, वो तो मतलब बहुत ही उम्दा कलाकार है, हम सब जानते हैं, और उतने ही उम्दा इंसान है। उनसे मैं पहले से बहुत सीख रहा था, जब मैं एक्टर बनना चाहता था और फिल्म में आना चाहता था, और अब तो साथ काम कर रहा हूँ तो और भी सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जैकी बताएं, ये जो अवार्ड सेरेमनी होने वाली है जिसके लिए आपको आज मंजूर किया गया, कितना खास है दादा साहेब फाल्के का नाम? मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा खास है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, तो आई एम जस्ट रियली ऑनर्ड कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और अवार्ड अटेंड करने के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ अवार्ड मिल जाए,
इस साल तो बहुत अच्छा रहेगा और बस आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर और अंदर जाके देखता हूँ क्या होने वाला है. मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत 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 मायने रखता है बिकॉज इसी के लिए हम काम करते हैं और दादा साहेब फाल्के जैसा अवार्ड अगर मिलता है तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस और अगर मुझे ये मिलेगा तो आई विल बी रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ यंगिस्तान. My take is that I am Indian and I will perform in India. As in, you know, that's my take. But the only, on a serious note, that's a very political thing. I would really not want to get on that. But it's acting, it's performance, it's creativity. So I don't think any boundaries should stop that. But I'm sure वो बड़े लोग हैं वो decision ले सकते हैं. मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. पहले ढंग you know अपने अपना काम कर लूँ वही ठीक है. I would say very well done Charu Khurana. आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया. It's equality का जमाना है. सब लोग equal होने चाहिए. बस ये है कि चलो देर आए दुरुस्त आए. 6 साल मेरे हिसाब से 6 महीने में हो जाना चाहिए था. बट अच्छी बात है चलो हो तो गया. यस थैंक यू सो मच. थैंक यू जैकी. कॉमेडियन के ऊपर मुझे बड़े सारे बायोपिक करने में इंटरेस्ट है. मुझे बस मौका मिलना चाहिए. मैं कॉमेडियन या नॉन कॉमेडियन या किसी और भी आदमी के ऊपर बायोपिक बने तो मुझे लगता है कि मैं मुझे बड़ा मज़ा आएगा. होप ऑडियंस को भी मज़ा आएगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुझे मज़ा आता है किसी और की साइकी में घुसना उस कैरेक्टर को प्ले करना तो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी. हाँ मैं एक पंजाबी पोइट हैं शिव कुमार बटालवी. मेरा मन है कि अगर यू नो अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत सारे करने हैं बायोपिक्स अगर मुझे मिले करने के लिए. पता नहीं कोई मुझे देगा कि नहीं देगा लेकिन शिव कुमार बटालवी के ऊपर करना चाहूँगा. सुनील जब आपको गुत्थी गुत्थी करके लोग बुलाते हैं तस्वीरें खिंचाने के लिए बुलाते हैं तो क्या फीलिंग्स होती है गुत्थी बुलाए या सुनील बुलाए? देखिए सर जब तक चेक सुनील ग्रोवर के नाम का आ रहा है मुझे कोई बुरी फीलिंग नहीं होती. पर अच्छा लगता है जो जिस कैरेक्टर को मैं करता हूँ उसे पहचान मिली है लोग उसे प्यार करते हैं और वो प्यार मेरे तक ही पहुँचता है. थैंक यू एवरीवन.